वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से शुरू करते हैं। अब मैं आपके सामने ले आया हूं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, 16 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस इस चैप्टर से, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से मैं लेकर के आया हूं, जिसको हम ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस भी कहते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ प्रोज पीस इज इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर जो आपका एक्सट्रैक्ट है, वो किस टाइप का प्रोज पीस है? क्या स्टोरी है, स्पीच है, एसे है या ड्रामा है? द आंसर इज एसे। मैंने पहले ही आपको पहले पैराग्राफ में समरी के बताया था कि इट इज एन एसे। दूसरा क्वेश्चन है, हु रोट द फेमस बुक द डिक्लाइन एंड फॉल ऑफ रोमन एम्पायर। आप अगर किताब को माइन्यूटली पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि इस बुक के बारे में जिक्र किया गया है, द डिक्लाइन एंड फॉल ऑफ रोमन एम्पायर किसके द्वारा लिखी गई थी? द आंसर इज एडवर्ड गिबन। बी इज द आंसर, एडवर्ड गिबन। मैं चाहता हूं कि आप जो भी क्वेश्चंस मैं आपको बता रहा हूं, पहले आप खुद इसके आंसर को देने की कोशिश कीजिए, उसके बाद मेरे आंसर को सुनिए। व्हाट डज द गोल्डन फ्लीस मीन? द गोल्डन फ्लीस जो प्रोवर्ब है, जो फ्रेज है, इसका क्या मीनिंग होता है? द आंसर इज डिफिकल्ट टू फाइंड। चौथा क्वेश्चन है, एटिक सिविलाइजेशन कहां से बिलोंग करता था? एटिक सिविलाइजेशन क्या चाइना, रोम, इंडिया या ग्रीस? द आंसर इज ग्रीस। एटिक सिविलाइजेशन, इसके बारे में भी जिक्र किया गया है आपके चैप्टर में, ये ग्रीस से बिलोंग करता था। सिविलाइजेशन इज दैट मोड ऑफ कंडक्ट विच पॉइंट्स आउट टू द मैन द पाथ ऑफ ड्यूटी, द पाथ ऑफ ड्यूटी। छठा क्वेश्चन है, हिंदुइज्म हैज मेड मार्वेलस डिस्कवरीज इन थिंग्स ऑफ रिलीजन, ऑफ द स्पिरिट एंड ऑफ द सोल। सातवा क्वेश्चन है, गांधी जी वॉज बॉर्न ऑन, गांधी जी कब पैदा हुए थे? द आंसर इज, आप लोगों को पता होगा, 2 अक्टूबर 1869। आठवां क्वेश्चन है, आवर एंसेस्टर्स एंजॉयड ब्लैंक रूल, हमारे जो बाप दादा थे, हमारे जो फोर फादर्स थे, वो किस तरह के रूल को एंजॉय करते थे? द आंसर इज होम रूल। बी, बी इज द आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर 8, आवर एंसेस्टर्स एंजॉयड होम रूल। नवा क्वेश्चन है, व्हाट वाज आवर एंसेस्टर्स सेटिस्फाइड विद, हमारे जो एंसेस्टर्स थे किस चीज से संतुष्ट थे? Our ancestors were satisfied with small villages. हमारे ancestors को small villages पसंद थे। हमारे ancestors बड़े शहरों से दूर रहना पसंद करते थे, क्योंकि उनको ये यकीन था कि बड़े शहरों में गुंडई बहुत ज़्यादा होती है, चोरी चमारी, डकैती, prostitution बहुत ज़्यादा होता है। Question number 10, which of the following is the autobiography of Mahatma Gandhi? Mahatma Gandhi की autobiography का क्या नाम है? ये भी मैंने आपको पहले पैराग्राफ में पढ़ाया है। My experiment with truth is the name of the autobiography of Mahatma Gandhi. 11वां सवाल है, with which of the following journal was Mahatma Gandhi associated? महात्मा गांधी कौन से जर्नल के साथ जुड़े हुए थे? The answer is A, यंग इंडिया। यंग इंडिया वो जर्नल था जिससे महात्मा गांधी एसोसिएटेड थे, जुड़े हुए थे। 12वां क्वेश्चन है, इंडियन सिविलाइजेशन वर्शिप्स, इंडियन सिविलाइजेशन किस चीज की पूजा करता है? जाहिर सी बात है, इंडियन सिविलाइजेशन वर्शिप्स मोरालिटी, इंडियन सिविलाइजेशन वर्शिप्स मोरालिटी। इन द वर्ड ऑफ गांधी, 13वां क्वेश्चन है, इन द वर्ड ऑफ गांधी, गांधी के शब्दों में माइंड इज अ, माइंड क्या है? रेस्टलेस बर्ड। माइंड इज अ रेस्टलेस बर्ड, आंसर सी। चलिए, 14वां क्वेश्चन है, व्हाट डज द वेस्टर्न सिविलाइजेशन प्रोपोगेट, वेस्टर्न सिविलाइजेशन किस चीज को बढ़ावा देता था? तो वेस्टर्न सिविलाइजेशन प्रोपोगेट्स इमोरालिटी। यहीं पे अगर एक ऑप्शन आ जाएगा, मटीरियलिज्म आ सकता है, तो मटीरियलिज्म उसका आंसर हो जाएगा। अगर मटीरियलिज्म और इमोरालिटी आ जाता है तो आप मटीरियलिज्म को प्रेफर करें, लेकिन अगर मटीरियलिज्म नहीं है तो जाहिर सी बात है इमोरालिटी। जहां पे हमने कहा था कि इंडियन सिविलाइजेशन वर्शिप्स मोरालिटी, वहीं पे वेस्टर्न सिविलाइजेशन प्रोपोगेट्स या वर्शिप्स इमोरालिटी।
पंद्रहवा क्वेश्चन है, आई बिलीव दैट द सिविलाइजेशन इंडिया हैज इवॉल्व्ड इनटू इज नॉट टू बी बीटन इन द वर्ल्ड। ये लाइन कौन से चीज से या कौन से एसे से या कौन से चैप्टर से ली गई है? आई बिलीव दैट द सिविलाइजेशन इंडिया हैज इवॉल्व्ड इनटू इज नॉट टू बी बीटन इन द वर्ल्ड। मुझे यकीन है कि भारतीय सभ्यता जो अब बन चुका है, इसे दुनिया किसी भी हाल में बीट नहीं कर सकती, हरा नहीं सकती। जाहिर सी बात, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। सोलहवा क्वेश्चन है, गांधी जी डाइड एट द हैंड्स ऑफ अ फैनेटिक ऑन। गांधी जी एक धूर्त इंसान, एक सरफिरे के हाथ मार दिए गए, कौन से तारीख को? द आंसर इज 30th of January 1948। तो ये रहा आपका एमसीक्यू वाला वर्जन, ये एमसीक्यू वाला टॉपिक था। अब हम अगले टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे जिसका नाम है शॉर्ट एंड लॉन्ग क्वेश्चन इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर का।